मंदिर में महिलाओं ने की प्रवेश की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में पारा 50 डिग्री पहुंचा, ओजोन अलर्ट जारी। माइक्रोसॉफ्ट डस AI लैब खोलेगा, बाजीराव को ट्रेनिंग। अब खबरें विस्तार से। केरल के सबरीमाला मंदिर में बुधवार को दो महिलाओं ने प्रवेश करने की कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें दिलीमला के पास ही रोक दिया। करीब 2000 से अधिक लोग वहां महिलाओं के प्रवेश की कोशिश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस बल मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। बुधवार को देश के कुछ हिस्सों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी से परेशान प्रशासन को सिडनी में ओजोन अलर्ट जारी करना पड़ा। यहां ओजोन का स्तर बढ़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया दस यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब खोलेगा। इनमें करीब 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट अनंत माहेश्वरी ने कहा कि 3 साल में 10,000 से ज्यादा डेवलपर्स की स्किल भी बढ़ाई जाएगी। इससे युवाओं को जॉब के बेहतर मौके मिलेंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS हिंदी लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन